हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू प्रथम मॉड्यूलर किचन। हम आपको जो वीडियो दिखाएंगे, ये वीडियो ओल्ड पनवेल में नेवेद्य बिल्डिंग में ये लोकेटेड है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हमने यहाँ पे दो फिनिशिंग हमने यूज़ की हुए, बैक पेंटेड ग्लास और लैमिनेट। बैक पेंटेड ग्लास में अगर आप देखोगे तो हमने प्लाई के ऊपर बैक पेंटेड ग्लास का प्रोविजन किया हुआ है, और लैमिनेट फिनिश आप देखोगे तो हमने यहाँ पे वुडन में हमने लैमिनेट हमने यूज़ किया हुआ है, फ्रोस्टी वाइट, और लॉफ्ट में भी हमने वो चीज़ यूज़ की हुई है। किचन का अगर आप साइज देखोगे तो 9 फीट 4 इंचज़ बाई 7 फीट 3 इंचज़ का पूरा ही किचन है। सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म और जो टाइलिंग है, जो बिल्डर ने जो प्रोवाइड की है, वो एज इट इज़ हमने रखी है, उसमें हमने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। और कलर अगर आप देखते हो तो यहाँ पे हमने बैक पेंटेड ग्लास में डार्क ब्लू कलर यूज़ किया हुआ है, और लैमिनेट में हमने फ्रोस्टी वाइट कलर यूज़ किया हुआ है। सबसे पहले जैसे कि आप किचन में एंटर करते हो तो सबसे पहले हमने राइट साइड में जो अपने मेन काउंटर है, मेन काउंटर में हमने यहाँ पे एक छोटा सा एक ड्रॉअर दिया हुआ है टेंडम में, जिसमें हैटिक की चैनल्स हमने यहाँ पे यूज़ की हुई है। एग्जैक्टली उसके नीचे में आप देखोगे तो यहाँ पे हमने दो वीकर बास्केट यूज़ की हुई है ऑनियन पोटैटोस के लिए। सेंटर में हमने यहाँ पे हॉरिजॉन्टल यहाँ पे एक हमने पार्टीशंस भी दिया हुआ है, और नीचे में वेजिटेबल्स रखने के लिए यहाँ पे प्रोविज़न दिया हुआ है। कुकिंग की अगर आप राइट साइड में आप देखते हो तो यहाँ पे हमने कटलरी के लिए प्रोविज़न किया हुआ है, पीवीसी की ट्रे दी है, ये ट्रे आप निकाल सकते हो आराम से और इसको वॉश भी कर सकते हो। उसी तरीके से आप जो उसके नीचे वाला जो ड्रॉर्स आप देखते हो, ये प्लेन दिया हुआ है मल्टीपर्पज़ यूज़ करने के लिए। बेस में भी आप ये देखोगे तो ये भी प्लाई रहता है, मरीन प्लाई, और बैक साइड में भी ये मरीन प्लाई ही रहता है। उसी तरीके से लास्ट ड्रॉर्स आप देखोगे तो ये बड़े यूटेंसिल्स के लिए हमने प्रोवाइड किया हुआ है, जिसमें उनके कुकर्स रहते हैं, मिक्सर वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं। कुकिंग के अगर आप देखोगे तो नीचे में हमने यहाँ पे स्पाइस के लिए पुल आउट दिया हुआ है स्टील में, और एग्जैक्टली उसके लेफ्ट साइड में यहाँ पे हमने प्लेन ड्रॉर्स दिए हुए हैं। यहाँ पे आप कटोरीज है, बाउल्स है, या तो सर्विंग प्लेट है, चकना बेलन है, कुछ भी चीज़ रखना हो जो कम हाइट की रहती है, वो आप यहाँ पे इसमें स्टोर कर सकते हैं। सेकेंड ड्रॉर्स है यहाँ पे ग्लासेस के लिए है, और मीडियम साइज के यूटेंसिल्स के लिए है, और लास्ट ड्रॉर्स जो है वो प्लेट्स के लिए है, थाली के लिए है, जिसमें छोटी प्लेट्स रहती है, क्वार्टर प्लेट्स रहती है, और थाली वगैरह का आप यहाँ पे आप रख सकते हैं। एग्जैक्टली आप यहाँ पे देखोगे तो सिंक है, सिंक के नीचे में एक साइड ओपनिंग डोर्स दिया हुआ है हमने, जिसमें डस्टबिन का प्रोविजन दिया हुआ है, और उसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो डिटर्जेंट के लिए हमने यहाँ पे पुल आउट दिया हुआ है। अभी हम सर्विस काउंटर में अगर देखते हैं तो सर्विस काउंटर का प्लेटफॉर्म का जो डेप्थ है वो काफ़ी कम है, और उन क्लाइंट की उनकी रिक्वायरमेंट्स थी कि उनको यहाँ पे ड्रॉर्स वगैरह नहीं चाहिए तो क्या कर सकते, तो हमने यहाँ पे ओपनेबल ड्रॉर्स दिए हुए, यहाँ पे सेंटर में हमने एक सेल्फ का प्रोविज़न किया हुआ है। और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे जो मेन काउंटर है, मेन काउंटर में ऊपर में हमने सिंक है, सिंक में एक्वा गार्ड के लिए प्रोविज़न दिया हुआ है, और एग्जैक्टली एक्वागार्ड के पास में हमने यहाँ पे प्लेट्स के लिए प्रोविज़न किया हुआ है, जहाँ पे अगर आप वॉश करके आपको तुरंत कोई भी प्लेट्स वगैरह रखने हैं, ग्लासेस वगैरह रखना हो, बाउल्स रखना हो, कप्स रखना हो, तो आप रख सकते हो, और पानी जो भी कलेक्ट होगा यहाँ पे हमने एक डिप ट्रे का प्रोविज़न किया है, पानी इसमें कलेक्ट करके आप इसको सिंक में डाल सकते हैं। हैंडल्स हमने यहाँ पे भी प्रोवाइड नहीं किया है, यहाँ पे ऊपर में आप देखोगे तो नीचे से आप उसको ईजिली आप इसको ओपन कर सकते हैं। चिमनी जो है, चिमनी हमने यहाँ पे फिल्टर टाइप की चिमनी का हमने यहाँ पे प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें पाइप की रिक्वायरमेंट्स नहीं रहती है, उसके फिल्टर्स रहते हैं कुछ टाइप के, बाद में आपको उसको रिप्लेस करने रहते हैं। और उसी तरीके से आप यहाँ पे राइट साइड में भी देखोगे तो यहाँ पे एक हमने ओपन कैबिनेट का प्रोविज़न किया हुआ है, जिसमें आप डेली यूटेंसिल्स जो रहते हैं, जिसको कंटेनर्स रहते हैं जो बार बार हमें लगते रहते हैं, वो चाहिए रहते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पे ओपन कैबिनेट दिया, जिसमें ग्लासेस भी आप रख सकते हैं।
और उसी तरीके से आप देखोगे तो यहाँ पे साइड ओपनिंग डोर्स का भी प्रोविजन किया हुआ है, जिसमें सेंटर में एक सेल्फ हमने दिया हुआ है और यहाँ पे लास्ट में हमने साइड ओपनिंग सिंगल डोर दिया हुआ है। और सर्विस काउंटर में आप देखोगे तो यहाँ पे जो फ्रिज है, फ्रिज के एग्जैक्टली पास में हमने यहाँ पे माइक्रो के लिए प्रोविजन दिया हुआ है, ऊपर उसका यहाँ पे हमने आप टॉप ओपनिंग डोर का प्रोविजन किया जिसमें माइक्रो रिलेटेड जो भी रहते हैं उसके बाउल्स रहती है, मैगजीन रहती है, बुक्स रहती है, हैंड ग्लोव्स रहते हैं, वो सारा चीज यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो। और माइक्रो जो रहता है बाकी सब कैबिनेट से थोड़ा ये लो रहता है नीचे हाइट में, क्योंकि माइक्रो जो भी रहता है वो आई लेवल पे होना चाहिए, उसमें जो भी चीज़ बन रही है वो हमें दिखनी चाहिए, इसलिए थोड़ा हम बाकी सब कैबिनेट से थोड़ा नीचे रखते हैं। एग्जिट उसके पास पे हमने यहाँ पे साइड ओपनिंग दो डोर्स दिए हुए, यहाँ पे दो सेल्स का प्रोविजन किया हुआ है और सॉफ्ट क्लोजिंग हिंजेस है, आप इजीली बंद हो जाते हैं। और एग्जैक्टली लास्ट में आप देखोगे तो हमने यहाँ पे प्रोफाइल में एल्यूमिनियम प्रोफाइल में मैट फिनिश में हमने यहाँ पे ओपेक ग्लास का प्रोविजन किया हुआ है क्रोकरीज के लिए। और ऊपर में भी आप देखोगे तो लॉफ्ट है, लॉफ्ट का हमने प्रोविजन किया हुआ है, टॉप ओपनिंग डोर्स है जो ऊपर की तरह खुलेंगे। और नीचे की कैबिनेट्स आप देखोगे तो लॉफ्ट का हमने थोड़ा हमने बाहर भी निकाला हुआ है, क्योंकि उनके पास जो यूटेंसिल्स थे उनके पास जो भी जो था वो उनको रखने के लिए उनको स्पेस ज़्यादा चाहिए थी, तो हमने टॉप कैबिनेट से थोड़ा हमने उसको बाहर निकाला है स्टोरेज को। तो जैसे कि आपने हमारा ये वीडियो देखा है लैमिनेट फिनिश विद बैक पेंटेड ग्लास, आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू।